देखिए बौद्धिक स्तर पर इसको जाने तो चेतना ऊर्जा प्रवाहित करके विचार उत्पन्न करती है, विचार जो कि बुद्धि और ज्ञान को प्रकाशित करते हैं आपको, अर्थात जो बुद्धि और ज्ञान का प्रकाश करते हैं उसको ही भावनात्मक स्तर पर समझा जाए तो परमानंद कहा गया, इसको चेतना कहा गया है। अब देखिए चेतना क्षीण कब होती है, यानी उसकी हानि कब होती है, चेतना की क्षति कब होने लगती है। मानव शरीर में 5 प्रकार की इंद्रियां हैं जो कि नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा, ये 5 हैं। अब क्षति कब होती है आप जाने हैं। अब इस चीज को बहुत ही डिटेल में बता रहा हूं, आप इसको समझने की कोशिश करें कि जब मानव शरीर के द्वारा, मानव द्वारा, मनुष्य के द्वारा, नाक के द्वारा, कान के द्वारा, आंख के द्वारा, जीभ और त्वचा के द्वारा इसका दुरुपयोग लाया जाए, दुरुपयोग किस प्रकार से, जैसे कि आंख से आप किसी को हीन भावना से देखते हैं, गलत नजरों से देखते हैं, कहते हैं ना कि गलत नजरे हैं, गंदे भाव से देख रहा है, तो ये इसका दुरुपयोग है। कान से गलत सुनना, गाली गलौज सुनना, गलत विचारों को सुनना, गलत वाणी को सुनना, ये गलत है। नाक से गलत, यानी नाक से ऐसी सुगंध सूंघना जिससे कि आपका मन ललायित हो, आपका किसी भी प्रकार से आपने जो तप किया वह एक तरह से टूट जाए। जीभ का भी यही काम है ना। वो त्वचा यानी आपको किसी को गलत ढंग से स्पर्श करते हैं, तो ये 5 इंद्रियां हैं जिनको आप किसी ना किसी रूप से भंग कर देते हैं तो इससे इंद्रियों की क्षति होती है। अब देखिए, अब चेतना इंद्रियों का कम से कम इस्तेमाल करना यहाँ पर आपको बहुत जरूरी है, तभी चेतना की क्षति नहीं होगी। यानी इंद्रियों को आपको कम से कम इस्तेमाल में लेना है, तब आपकी धीरे धीरे चेतना जागृत होने लगेगी। अब दिव्य चेतना के बारे में श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, जो कि भागवत गीता से कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी इंद्रियों को संयमित योग से युक्त होकर ईश्वर का प्रायण हो जाता है, जिसकी इंद्रिया वश में हो जाती है और उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है उस जगह, दिव्य चेतना, उसकी दिव्य चेतना जागृत हो जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य उनका यह है कि जो व्यक्ति इंद्रियों को संयम में ला के, अर्थात उन पर कंट्रोल करके एक ईश्वर की वंदना करता है, ईश्वर को ध्याता है, उसकी धीरे धीरे दिव्य चेतना का जागरण होना शुरू हो जाता है। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है, जो 5 इंद्रियां है इसको जैसे तैसे करके मानव जीवन में इन पर कंट्रोल करना ही होगा आपको, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो धीरे धीरे समय गुजरने के साथ आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके आप में दिव्य चेतना जागृत होगी, जिसका परमानंद का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। दिव्य चेतना जब जागृत होने के पश्चात आपको परम की स्थिति का पता चल जाएगा। चेतना का मतलब किस चीज के बारे में चेत जाना, यानी ईश्वर है, आप चेत गए, है ना, आप चेत गए, हाँ भाई ईश्वर है इस दुनिया में, वही चलायमान है इस पूरी सृष्टि को, और ये बाकी संसार है, माया जाल है, उलझाने के लिए निर्माण किया है इस चीज का, मनु शरीर को एक ही जगह फंसाया, यानी मानो आत्मा को एक ही जगह फंसाए रखने के लिए इस माया का निर्माण हो रखा है। इस चीज से चेतना, यानी इससे बाहर निकलना, यानी एकदम चेत जाना, हाँ अब निकलना है, प्रभु का सहारा बहुत जरूरी इस मार्ग में। इसलिए धीरे धीरे अध्यात्म जगत में आपको कदम रखना जरूरी है।
बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसको बहुत ही अनिवार्य कर देना चाहिए कि अगर अध्यात्म जीवन में जो कोई कदम नहीं रख पा रहा है तब तक आपका बेड़ा पार नहीं होगा। प्रभु का सहयोग होना बहुत जरूरी है और धीरे धीरे करके आपके भीतर बदलाव होने शुरू होंगे। अध्यात्म जीवन में कुछ दिव्य शक्तियां प्रभु प्रदान करते हैं, 101% प्रदान करते ही हैं। अध्यात्म जगत में कुछ अगर कदम रखता है तो आपका कहना गलत है कि कोई दिव्य शक्तियां नहीं मिलती मानव शरीर को। कैसे नहीं मिलती, सब मिलती है। अध्यात्म जगत में जो कदम रखता है, आप चलिए उस पर मार्ग में, कैसे नहीं आप अपने भाव विचारों पर, गंदे भावों पर कंट्रोल नहीं कर पाते, कर पाएंगे धीरे धीरे। ये दिव्य शक्ति नहीं है तो क्या है, या आप अपने आप पे कंट्रोल कर पाए, उसकी बदौलत आप में शुद्ध विचार आ रहे, सकारात्मक भाव आ रहे, प्लस ईश्वर होने का एहसास हो रहा है। उसके उपरांत आप एक ही जगह पर कई घंटों तक ध्यान समाधि लगा पाते हैं, ये दिव्य शक्ति नहीं है तो क्या है। जब आप एक मिनट भी एक स्थान पर नहीं बैठ पा रहे थे, कुछ समय पश्चात, कुछ महीनों पश्चात आप एक स्थान पर 2 घंटे 3 घंटे तब बिना कुछ बोले मौन हुए हुए आंखें बंद करके बैठ जाते, तो ये दिव्य शक्ति तो है, ये मान के चलिए। धीरे धीरे आपके अंदर चेतना का निर्माण होता है, दिव्य चेतना उभर कर आती है, आंतरिक शक्तियों की जागृति होती है, ऊर्जा आपके सहस्त्र चक्र में प्रवाहित होने लगती है, ब्रह्म रंध्र में आप प्रभु की आवाज सुन सकते हैं स्पष्ट रूप से। धीरे धीरे इस प्रकार आपको प्रभु से जुड़ना ही पड़ेगा, दिव्य चेतना का जागरण होगा। इस चीज का आपको जब एहसास होगा तब आपको ऐसा लगेगा कि मोक्ष की कहाँ जरूरत है, जब आनंद तो इस स्थिति में आ रहा है परमानंद का, तो उस समय व्यक्ति मोक्ष नहीं सुनता, देखता नहीं कि नहीं मुझको तो इतनी गजब इस आनंद, इतना गजब का आनंद आ रहा है, मिल रहा है कि अब मोक्ष का क्या करना। जब व्यक्ति मोक्ष की भी ना सोचे उस स्थिति में, तो आप समझे कि आपने बिल्कुल सही मार्ग पकड़ा हुआ है, फिर आपको किसी चीज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी मार्ग में आपकी उन्नति छुपी हुई है, इसी मार्ग में धीरे धीरे करके आप उस सफलता तक पहुंच जाएंगे जहां पर आप होना चाहते हैं। जिस इस अभी आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, केवल यही है कि आपको बस इस मार्ग पर चलना है। जब आप पहुंच जाएंगे, जिस लिए आप इस मार्ग पर चलेंगे उसका लक्ष्य आपको अंतिम समय में जरूर मिलेगा, और आप सोचेंगे जिस कारण से मैं निकला था वो कारण पूर्ण हो चुका है। धीरे धीरे आपको इस मार्ग में उन्नति मिलेगी ही मिलेगी, और सफलता 101% मिलेगी अगर कोई दृढ़ विश्वास के साथ इस मार्ग पर चलता है। दृढ़ विश्वास, संकल्प धारण करें अपने जीवन में, एक ऐसा संकल्प जो अटूट हो, जिसे कोई किसी के भी द्वारा तोड़ा ना जा सके। जब भी जाकर एक ऐसा आधार का निर्माण होगा जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो सुधारने का कार्य करेगा। तो आपको इस वीडियो में सुनकर क्या लगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर जानकारी दे कमेंट के माध्यम से। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय सियाराम। ओम नमो भक्ति वासुदेवाय।